सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज का वीडियो फिर से आप ही की डिमांड में मैं बना रहा हूं, जो कि है केबरगोलिन टेबलेट के बारे में। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे सवाल पूछा गया था वह है, क्या यह टेबलेट स्त्रियों के लिए ही है या पुरुषों में भी इसका प्रयोग लिया जाता है। इस डाउट को मैं क्लियर करूंगा, इसके साथ में बताऊंगा केबरगोलिन क्या है, किस तरह से कार्य करता है, किस किस स्ट्रेंथ में टेबलेट अवेलेबल है, किस नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है, कितने रुपए में मिल जाती है, इसके साइड इफेक्ट क्या है और लंबे समय तक इसको लिया जाता है, इसको लेके छोड़ा जाता है तब क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, डोज क्या रहती है, किस तरह से इसको लेना चाहिए और क्या इसको प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है, ये सभी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे पूरी जानकारी आपको केबरगोलिन टेबलेट के बारे में मिल सके। और साथ ही यदि मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर तथा लाइक करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। केबरगोलिन एक हार्मोनल मेडिसिन है, जो कि एक इर्गोट एल्कलॉइड तथा प्रोलैक्टिन इनहिबिटर है, मतलब प्रोलैक्टिन के सेक्रेशन को कम करती है। प्रोलैक्टिन एक प्रकार का प्रोटीन है, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सेक्रेट किया जाता है और इसका मुख्य कार्य है प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की ब्रेस्ट की साइज को बढ़ाना और दूध का निर्माण करना। साथ ही केबरगोलिन न्यूर D2 एगोनिस्ट है, जो कि D2 रिसेप्टर के कार्य को बढ़ाता है। अगर केबरगोलिन को इसके सिमिलर एक मेडिसिन है जिसका नाम ब्रोमोक्रिप्टिन है, इससे कंपेयर किया जाए तो इस समय केबरगोलिन ब्रोमोक्रिप्टिन के मुकाबले लॉन्ग एक्टिंग है और साथ ही कम साइड इफेक्ट रखता है। इसी कारण से यदि किसी पेशेंट को ब्रोमोक्रिप्टिन दवा दी जाती है उसे फ़ायदा नहीं मिलता, साथ ही किसी पेशेंट को ब्रोमोक्रिप्टिन दवा सूट नहीं हुई है, तो इन दोनों ही कंडीशन में केबरगोलिन टेबलेट पेशेंट को दी जाती है। अगर बात करें केबरगोलिन टेबलेट के स्ट्रेंथ की, किन किन मात्रा में अवेलेबल है, तो यह जो टेबलेट है 0.25 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम तथा 1 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और जैसा आप सभी को पता है, केबरगोलिन दवा का जेनेरिक नाम है, दवा का कंपोजिशन है। जब भी आप इसको मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाते हैं, ये अपने इस नाम से नहीं मिलके कुछ पर्टिकुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि केबगोलिन टेबलेट, केबरलिन टेबलेट, सिबिलिन टेबलेट और सिबजिल टेबलेट, ये इसकी कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो मैंने आपको बताई है। और हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरी ब्रांड आपके एरिया में अवेलेबल हो, जो भी आपको इजीली मिले उसे आप खरीद सकते हैं। अगर बात करें कितने MRP की होती है, कितने रुपये में आपको मिल जाती है, तो जो इसकी 0.25 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ है, ये आपको लगभग 150 रुपये से लगाकर 200 रुपये की MRP में 4 टेबलेट की स्ट्रिप मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो स्ट्रिप आती है सिर्फ 4 टेबलेट की पैकिंग ही आती है। और अगर बात करें 0.5 मिलीग्राम के प्राइस की, तो ये आपको 400 रुपये से लगाकर 430 रुपये की अलग अलग MRP में 4 टेबलेट मिल जाती है। और हो सकता है जो प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड वेरी हो, कुछ सस्ती या कुछ महंगी मिल जाए, जो आपको इजीली अवेलेबल जो सस्ती मिल जाए उसे आप खरीद सकते हैं। अब हम जान लेते हैं केबरगोलिन टेबलेट के यूजेस के बारे में, किन किन बीमारियों में डॉक्टर द्वारा ये दवा दी जाती है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने जाना था कि केबरगोलिन एक प्रोलैक्टिन इनहिबिटर है, जिसका प्रयोग मुख्यतः प्रोलैक्टिन का जो प्रोडक्शन है उसको कम करने के लिए किया जाता है। और इसी कारण से इसका प्रयोग महिलाओं में लैक्टेशन सप्रेसेंट के रूप में किया जाता है, मतलब कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंसी के बाद जब बच्चों को दूध पिलाती है, तो उस समय जो प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन है बहुत ज़्यादा हो जाने पर उनमें जो दूध की मात्रा है बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि बच्चा किसी कारणवश लंबे समय तक दूध नहीं पी पाता, तो इन दोनों कंडीशन में महिला के स्तनों में दूध जमा हो जाता है, जिससे कि स्तनों में दर्द रहना, सूजन आना तथा दूध का लीकेज होना सामान्य समस्या होती है। तो इस स्थिति में केबरगोलिन टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। अगली जो स्थिति है वो है हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। यह वह कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है, जिस कारण से कई सारी समस्या होती है। उसमें से एक जो हमने बात की थी, महिलाओं में दूध का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा होना, ये भी है। इसके अलावा महिलाओं में इनफर्टिलिटी, मतलब बांझपन की शिकायत भी हो सकती है। जब महिला में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ने पर इनफर्टिलिटी होती है, तो उस स्थिति में यदि केबरगोलिन टेबलेट दी जाए तो उसे बांझपन से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साथ ही महिला में पीरियड का इरेगुलर या डिस्टर्ब हो जाना, कई बार हैवी पीरियड्स आते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और कई बार कई महीनों तक पीरियड्स भी नहीं आते, ये समस्या भी देखी गई है। महिलाओं में हाइपोगोनाडिज्म, मतलब जो उनके सेक्स हार्मोन है उनका सेक्रेशन भी कम हो जाता है, ये समस्या भी देखी गई है। यदि ये समस्याएं होती है जो कि प्रोलैक्टिन के एक्सेस हो जाने पर होती है, तो यह केबरगोलिन टेबलेट देके उन्हें
फायदा दिया जा सकता है। साथ ही महिलाओं में एक और समस्या है जिसे हम यूटेराइन फाइब्रोनाइड कहते हैं। इस समय महिला के यूटेरस जो गर्भाशय है उसमें गांठ बन जाती है, जो कैंसर की गांठ नहीं होती, लेकिन उस गांठ से महिला को हैवी ब्लीडिंग होना, पेट में दर्द होना, शारीरिक संबंध बनाते समय दर्द होना, साथ ही लोअर बैक पेन होना, यह समस्या होती है, तब भी केबल गोलिन मेडिसिन है जो डॉक्टर द्वारा दी जाती है। महिलाओं के अलावा इसका प्रयोग पुरुषों में भी लिया जाता है। किन किन कंडीशन में लिया जाता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे महिलाओं में हमने बात की थी हाइपोगोनाडिज्म, जो उनके सेक्स हार्मोन है उनका सेक्रेशन कम हो जाता है, उसी तरह से पुरुषों में भी जो टेस्टोस्टेरोन है इसका सेक्रेशन कम हो जाता है, जिस कारण से पुरुषों में लॉस ऑफ लिबिडो मतलब काम इच्छा की कमी होना एक शिकायत देखा गया है। साथ ही सेक्सुअल डिसफंक्शन की समस्या भी देखी गई है। ये दोनों समस्याओं को ठीक करने के लिए यह दवा केबल गोलिन डॉक्टर द्वारा दी जाती है। साथ ही कोई पुरुष है जिसको पार्किंसन डिजीज नाम की बीमारी है, चाहे महिला को भी हो, तो पार्किंसन डिजीज में यह दवा एड ऑन ट्रीटमेंट के रूप में दी जाती है। साथ ही एक्रोमेगली नाम की एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन को बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट करने लग जाती है, जिस कारण से व्यक्ति में जो फेस है, उसके हाथ है, उसके पांव है, बहुत ही ज़्यादा एनलार्ज हो जाते हैं। साथ ही शरीर में छोटी छोटी गांठें हो जाती है, वो कैंसर की गांठें नहीं होती, ना ही उनमें दर्द होता है, लेकिन गांठें हो जाती है। तो उस स्थिति को भी ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए यह केबरगोलिन टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और एक ऑफ लेबल यूज इसका और भी है जिसके बारे में आपको बता दूं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी पेशेंट को एंटी डिप्रेशेंट दवा जैसे कि SSRI दी जाती है, तो उस समय उसको ज़्यादा मात्रा में लेने पर या लंबे समय तक लेने पर पेशेंट में सेक्सुअल डिसफंक्शन की समस्या देखी गई है, जिसमें स्पेशली उसको लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है और कई पेशेंट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है। तो इन दोनों ही कंडीशन को, जो सेक्सुअल डिसफंक्शन है उसको ठीक करने के लिए केबरगोलिन टेबलेट डॉक्टर द्वारा एज ए ऑफ लेबल यूज ली जाती है। और दोस्तों मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी यूज़ कवर करने की कोशिश की, फिर भी हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस दवा का प्रयोग किसी अन्य बीमारी में ले। अब वीडियो के आगे पार्ट में केबरगोलिन टेबलेट के साइड इफेक्ट को हम जान लेते हैं। यदि किसी पेशेंट को इसके साइड इफेक्ट होते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं। केबरगोलिन दवा के जो साइड इफेक्ट है इसकी डोज पर डिपेंड करते हैं। अगर हायर डोज देते हैं तो इसका अलग साइड इफेक्ट होता है, लोअर डोज में अलग साइड इफेक्ट होते हैं, और लंबे समय तक प्रयोग करके बंद करने के बाद भी अलग समस्याएं देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो कॉमन साइड इफेक्ट है, नॉर्मल साइड इफेक्ट है, उसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट के तौर पर नोजिया तथा वोमिटिंग रहना, उल्टी मतली व्यक्ति को हो सकती है, ड्राई माउथ, मुँह में सूखापन लग सकता है, कॉन्स्टिपेशन व्यक्ति को हो सकता है, पेट में दर्द होना, अपच होना, डिस्पेप्सिया की समस्या होना, साथ ही डिप्रेशन की समस्या, चक्कर आना, नींद नहीं आना और ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो जाना, ये कुछ समस्याएं साइड इफेक्ट के तौर पर देखी गई है। और जब इसको लंबे समय तक लिया जाता है और बंद कर दे टेबलेट को, तो लेट साइड इफेक्ट के रूप में इसमें मेंटल कन्फ्यूजन, बिहेवियरल चेंजेस मतलब उसके व्यवहार में कुछ चेंजेस हो सकता है, हेल्यूसिनेशन भ्रम उसे हो सकता है, साइकोसिस की समस्या हो सकती है, साथ ही एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट भी उसे हो सकता है, जो कि लेट साइड इफेक्ट में मिलते हैं। ये या इसके अलावा कोई दूसरे साइड इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं केबरगोलिन टेबलेट की क्या डोज रहती है, किस तरह से इसको दिया जाता है। केबरगोलिन दवा की जो डोज है डिजीज़ के अकॉर्डिंग दी जाती है, बीमारी के अकॉर्डिंग इसकी डोज अलग अलग रहती है। जो सामान्य डोज है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो इनिशियली पेशेंट को 0.25 मिलीग्राम की केबरगोलिन टेबलेट दी जाएगी और इसे हफ्ते में एक बार या हफ्ते में दो बार लेने की सलाह दी जाती है, जो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग होती है। और आवश्यकता पड़ने पर 4 हफ्ते के बाद में 0.25 मिलीग्राम से बढ़ाकर इसको 0.5 मिलीग्राम भी की जा सकती है। यहाँ पर विशेष बात ध्यान रखें, इस टेबलेट को सिर्फ हफ्ते में एक बार या हफ्ते में दो बार ही लेनी होती है, ऐसा नहीं कि इसको डेली बेसिस पे रेगुलर लेने लग जाएं, आपको समस्या कर सकती है। सिर्फ हफ्ते में ही एक बार या दो बार लेनी होती है। अगर बात करें मैक्सिमम डोज की, तो जब आप इस टेबलेट को ले रहे हो तो 1 मिलीग्राम केबरगोलिन हफ्ते में दो बार, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही दिया जाता है, मतलब एक हफ्ते में 2 मिलीग्राम केबरगोलिन से ज़्यादा बॉडी में नहीं जाना चाहिए, समस्या कर सकता है। यह दवा लंबे समय तक जब पेशेंट को दी जाती है तो उसमें बॉडी में जो प्रोलैक्टिन का लेवल है वो नॉर्मल तक आ जाता है, और जब 6 महीने बाद प्रोलैक्टिन का लेवल नॉर्मल तक आ जाता है तो उसे बंद की जा सकती है। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने तक भी इस दवा को दिया जा सकता है, जो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर बात करें प्रेगनेंसी के बारे में, तो जब इसका ट्रायल किया गया था उस समय प्रेग्नेंट रेट को ये दवा दी गई थी और देखा गया था कि फीटस को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, इसी कारण से आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर प्रेगनेंसी में इस दवा को देते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को तो दी ही जाती है, जिससे कि उसको दूध को कम किया जा सके।
तो दोस्तों इस तरह से इसका यूज़ लिया जाता है। हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस दवा का प्रयोग लें और कुछ समस्या होने पर अपने डॉक्टर को जोर से मिलें। और इसी के साथ मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन केबरगोलिन टेबलेट के बारे में बता दिए। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिली होगी और मेरा वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो जोर से इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न और मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दो, जो पास में बेल आइकन इसे जरूर दबाएं जो आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप तो अपने दोस्त मोहित आदि साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न और मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।